की शुरुआत के साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। आप अगर शिमला जाएं, मनाली जाएं, नरकंडा जाएं, कई ऐसे क्षेत्र जो पर्वतीय इलाके हैं, जो हिमालयी बेल्ट कही जाती है, वहां पर इस वक्त तापमान माइनस में है और जमकर बर्फ पड़ रही है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। कुदरत के सफेद अटैक से एक बार फिर से देश के पहाड़ी इलाके जूझ रहे हैं। आसमान से गिरती सफेदी से पेड़ पौधे, घर, गाड़ियां सब पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाके बर्फ से ढके हैं। शिमला की तस्वीरें देखिए, यहां पारा -1 डिग्री तक गिर चुका है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमा है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी पूरी तरह बर्फ हो चुकी हैं। बेंच पर मौजूद इस बर्फ की परत से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यहां बर्फ कितनी मात्रा में गिरी होगी। शिमला का मशहूर मॉल रोड भी पूरी तरह सफेद रंग में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट भले ही कुदरत के खूबसूरत नजारे का पूरी तरह आनंद ले रहे हों, लेकिन बर्फ से मुश्किलें भी बहुत खड़ी हो चुकी हैं। सड़कों पर बर्फ की वजह से वाहनों की आवाजाही ठप पड़ी है। आसमान से गिरती बर्फ का ये खूबसूरत नजारा हिमाचल प्रदेश के नारकंडा का है, जहां पिछले 2 दिनों से हो रही बर्फबारी की वजह से जिंदगी मानो जम सी गई है। बर्फ से ढकी सड़क पर चली इस गाड़ी की हालत देखिए। चलते चलते गाड़ी पर ही बर्फ की मोटी परत जम गई है। रास्तों पर फिसलन है, इस वजह से बहुत एहतियात के साथ ही कार को चलाना पड़ रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी से नारकंडा रामपुर नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है। हालांकि प्रशासन लगातार बर्फ को हटाकर इसे खोलने की कोशिशों में जुटा है।